बहू, ओ बहू। हाँ पिताजी। अरे मेरी बंडी कहाँ रखी है? पिताजी वहीं रखी होगी कमरे में। अरे वो विकास सोकर उठा नहीं अभी? पिताजी वो तो सो रहा अभी तक। क्यों, कहीं गया था क्या? हाँ वो अपने दोस्त की बर्थडे पार्टी में गया था। अच्छा अभी कटवाता हूँ उसका केक। यू कभी घर रुका है ना? कभी पार्टी में, कभी और पार्टी में, कभी बर्थडे पार्टी में। काम करना दाज का दुश्मन है नाच का। अच्छा यहाँ है तू? अरे उठिए ना आज खेत। अच्छा ऐसा नहीं उठने का तू। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग गई तेरी तेल लेने? हम तो तेरे से तंग आ लिए। अरे उसे कालू के लौंडे को देख ले, यूपी पुलिस में लग गया। बिरजू के को देख ले, वो भी रेलवे में लग गया। हम तो तेरे से तंग आ लिए, तैने तो बिल्कुल हद कर दी भाई। क्या करगा मानने का तू? वो कई काम पे भेजे हैं, वहां दो दिन से ज्यादा तू रुकता नहीं। चल तैयार हो एकदम और अमर सिंह वाले स्कूल में पहुंच जा, तेरे लिए नौकरी ढूंढ ली है। चल चप्पल तो पहन लूं। अकड़पन सहरा निकाल दूंगा, अकड़ू बना दूंगा अकड़ू। भाभी। हाँ देवर। ए भाभी पानी गरम कर दो, नहाना है मुझे। ठीक है अभी करती हूँ, तुम बैठो इतने। और जल्दी कर देना। कहाँ जा रही? इंटरव्यू देने जा रहा। इंटरव्यू देने जा रहा है? इंटरव्यू दे कहीं आइए, कहीं खेलकूद में लग जा, नहीं तो तेरी पिताजी से खैर नहीं। और तू मुझे ज्यादा मत सिखा कर, तू अपना काम कर। यार पिताजी सुन भी नहीं देते, भेज दे इंटरव्यू के लिए। क्या था इंटरव्यू में? ए अच्छा 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 ओ यार। वो डबल बैटरी देख के ना चला जा रहा तेरे से, मार दी चोट। एक तो चोट मार दी, ऊपर से टैटू कर रही। निकाल 500 रुपए रे। इतनी सी चोट के 500 रुपए? घड़ी चैचू नगर 500 रुपए दे रे। रुक जा जल्दी कर ले मर ले, अब हट आगे से मुझे जाने दे। मैंने कौन सा रास्ता रोक रखा, निकल। भाभी। हाँ भूख लगी है, खाना ला दो। ठीक है अभी लाई। अरे वाह अरवी की सब्जी गजब। हो गया बेटे इंटरव्यू हो गया? पिताजी वो स्कूल बंद था। स्कूल बंद था? स्कूल बंद नहीं था बेटे, मैं सब जानू तू जहाँ था। स्कूल तक तो तू पहुँचा ही नहीं, मुझे अच्छी तरह से पता तू कहाँ था, यारों में था ना। पिताजी तुम जानते ना उन लुंडे के बारे में, बहुत बढ़िया लुंडे है वे। जैसे वो खुद है ना ऐसा ही बनाएगा छोटेगा तुझे भी। और जवान लड़ा रहा नालक। इसमें जुबान चलाने की कौन सी बात है, जब वो लुंडे हैं ही बढ़िया, अब बढ़िया लुंडों की तो तारीफ ही करी जा। नालायक बहुत बढ़िया लुंडे हैं वे, काम का ना काज का, ढाई से रहना आज का। मैं ही खाऊं क्या? लो मैं खाता ही ना। जा भाई खाइए जिनके साथ रह रहे तू। यार विकास ने दिखाई दे रहा, विकास कहाँ है आज? हम यार वो दिखाई ना दे रहा, अबे वो देखो आएगा। अबे उम्र देख साले की, उम्र कितनी बड़ी। अबे यार विकास क्या हो गया, बड़े गुस्से में दिखाई दे रहा है तू।
यार क्या बताऊं, बुड्ढे ने दिमाग खराब कर रखा। अबे तेरा बुड्ढा है ही बेकार, इसके बुड्ढे को देख, इसे नई मोटरसाइकिल दिलवाई। हाँ यार ठीक कह रहा, इसके बुड्ढे ने इसे मोटरसाइकिल दिलवा दी। अरे मेरे बुड्ढे ने तो आज तक मुझे साइकिल ना दिलवाई, फिर भी आज मैं कह के देखता हूँ। चल आ बैठ यार। आज तो सब्जी तरीदार बनाइए, एक रोटी फालतू खाऊंगा। बढ़िया सी बनाऊंगी एकदम तरीदार। भाभी मुझे नई बाइक दिला दो ना। मैं कहाँ से दिलवा दूँ, मेरे पे के पैसे धरे, पिताजी से कह दो वो दिलवा देंगे। भाभी तुम ही कह दो ना पापा से। देख भाई इस मामले में हम पिताजी से कुछ नहीं कह सकते, तू कह या ना कह। क्या सलाह मशवरा हो रहा भाई? पिताजी ये नई मोटरसाइकिल बोल रहा। तेरे बाप की फैक्ट्री चल रही ना, जो तुझे नई बाइक दिलवा दूं। तो ये इतना पैसा जायदाद सब कुछ छाती पर रख के ले जाओगे क्या? तो सब कुछ तेरे ही नाम कर दूं क्या? यो ना है। हाँ तुमसे एक बाइक तो दिलवाई ना जा रही, सब कुछ कर दोगे मेरे नाम? अभी कर दूं फिर तेरे नाम सब कुछ? तुम ज्यादा भाषण तो दो मत ना। अरे नालायक हमारी बातों को भाषण बतावे। देखो नालायक तो कहो मत ना, वरना मैं घर छोड़ के चला जाऊंगा। चला जा, निकल जा, अभी अभी चला जा। देख मैं कह रहा हूँ रोक ले मुझे, वरना चला जाऊंगा। पिताजी तेरे समझ की तो कह रहे हैं, तेरे समझ में आती। जा चला जा निकल। हाँ हाँ जा रहा हूँ, और फिर नाने का लोट लोट के माता जी इधर को। और तुम क्या सोच रहे मैं कमा के ना खा सकता? ये दुनिया बहुत बड़ी है, आदमी कमा के कहीं भी खा सके। विकास कहाँ जा रहे हो, रोटी तो खाते जाओ। मैं ना खा रहा था रे टिकट, खिला दे ही नहीं। चल बे रुका मत, चला गगू। ए भाई चोर दिखो तुम। चुप भाई, तुझसे मतलब? अरे मतलब उतलब कुछ ना है, पर तुम एक बात बताओ, ये जो तुम दिन दहाड़े चोरी कर रहे हो, इसके बारे में कभी सोचा हमारे भारत के बच्चों के भविष्य पे क्या असर पड़ेगा? चुप भाई, यहाँ से 2-3 घंटे की पैदल की रास्ते की चलने की दूरी पर ना, जब भी कोई दूध पीता बच्चा रोता है तो माँ कहती है चुप जा बेटा, नहीं तो रेटू चोटा बटना करा जाएगा। और तू हमें जीएसटी का रहे बटी चोत के रेटू साले गब्बर बन रहा। भाग्य साले, नहीं तो भूत बना देता मारते मारते। सालों ने हाथ देख कितने मजबूत बांध रखे, पोतड़े तो सूखे ना, वो चल दिए चोरी करने। ए भाई तू एक बात बता, जब वो तुझे पकड़ के ले जा रहे थे तो उससे चिल्लाया ना गया? और चुपचाप उनके साथ जा रहा, वो क्या तेरे रिश्तेदार लग रहे थे? भाई साहब एक बार बताओ, जो उन्होंने मेरा मुंह बंद कर रखा था तो मैं बोलता कैसा? चल छोड़, तू एक बात बता, तेरा हाल तो हो रहा मुझसे भी बुरा, तेरे पास इन्होंने ऐसी कौन सी माया देख ली जो तुझे ये चिल्लान भी न दे रहे? भाई साहब मैं पीने जा रहा था, मेरे पैसे खत्म हो गए, बेटे मैं क्या करूँ, हट्टी तक पहुँचा रहा हूँ, उन्होंने पहले पकड़ लिया। बटी चोत गए सारा टेम्पर बात कर दिया, चल निकल निकल। साले हथियार भी यहीं छोड़ गए, और हथियार हथियार भी मॉडल जमाने के लिए रखे, बताओ भाई। फुटपाथ किंग चल निकल यहाँ से, चल चल निकल यहाँ से, अपना काम धाम देख, सुबह हो गई, सुनाई नहीं आ रही तुझको, चल अपना काम धाम देख, यहाँ से निकल।
हाँ भाई क्या बात है, कैसे बैठा है यहाँ? क्या चाहिए? चल चल यहाँ से निकल। कैसे परेशान है भाई तू? काम की तलाश है जी। क्या काम जाने हैं भाई तू? काम तो कुछ जानता ना हूँ, जो भी मिलेगा पर कर लेंगे। काम कर लेगा? हाँ जी। चल तो तू मेरे साथ चल, काम कर लेगा। चल ठीक है, तू मेरे साथ चल। चल भाई। उतर। देख यो है मेरा घर, आज से तुझे यहाँ पे ही काम करना है। ठीक है जी, पर मुझे काम क्या करना होगा? तुझे काम कुछ तो करना है खेत में, और कुछ काम करना है पशुओं का चारा लाने में। पर एक बात तो बता, ये सारा काम कर भी लेगा तू या ना? जी वो काम वाम तो कराना, पर हम कर लेंगे। कभी किया भी है? चल ठीक है फिर, ले ये पकड़ कुछ पैसे और बाजार से कपड़े लिए ये। जी इतने में तो एक पैंट भी ना आती। और क्या मैं तुझे शेरवानी के पैसे दूं? काम ही तो करना है। 100-100 वाले 3 लोबल लिए ये और 2 लिए ये शर्ट। वो रखी बाल्टी, भैंसों को पानी पिला चुपचाप। मेरे पे ना किसी के पैसे। 500 रुपए निकाल जल्दी। कौन से पैसे? 500 रुपए निकाल रहे हैं, 100 रुपए टैक्स सबको बुला लूं। मेरे पे ना है पैसे। भैया देखो चोर। कहाँ है चोर? भैया का चोर। अरे पागल, ये चोर ना है, ये अपना नया नौकर है, इसे आज ही काम पर रखा है। तुमने ये कहाँ से काम पर रख लिया? सकल से चोर दिखता है, और देख लेना एक दिन ये बहुत बड़ी चोरी करेगा। विकास ये मेरी छोटी बहन सालू है, दिमाग की बहुत तेज है, इससे जरा बचकर रहिए। ये तो बिल्कुल लाल मिर्च की तरह है, कति फाड़ खाने को आ रही है। ले पानी पी ले। अरे पी ले, देख रही है ना? पी रही मत पी, तेरी मर्जी है, ना पी रही मत पी, मैं जा रहा हूं। देख ले पी रही हो तो पी ले, ना पी रही मत पी। पानी वानी पिलाऊंगा बाद में, पहले आराम करता हूँ। स्कूटरी भी साफ मुझसे कराएगी, ये बड़ी नौकरी मिली हमें। तो मुझे क्या पता तेरा सूट यू पहनने का? अब सूट भी मैं धोऊंगा क्या? और क्या, कौन धोएगा? मैं धोऊंगी, धो पर है इस घर का, जा धो के लाए इसे।
यार ये भी ना। लो भाई यू बढ़िया नौकरी मिली हमें, आज तक हमने अपने बलियान तक तो धुले नहीं और यहाँ ये धुलने पड़ रहे। बेटे विकास निकल ले यहाँ से, इससे बढ़िया तो अपना घर ही ठीक था। अरे बैठ कर ना, मैं मेरी बात सुन। अब क्या करवाएगी तू मुझसे? मुझे सुबह स्कूल जाना है, मेरी स्कूटी धो दे। अभी स्कूटरी भी मैं धोऊंगा क्या? और गांव में पटाना है ना तूने, तू ही धोएगा। मेरे बस की ना धोनी, अपना कहीं तू ही ना धोवे। भैया को बुला लूंगी, चुपचाप से स्कूटी धो दे। यार बैठन मत दिए। लो भाई यू बढ़िया मालकिन मिली हमें, भैया अलग हुकम चलावे, यू अलग हुकम चलावे। सालू, ओ सालू धूम में क्यों लेटी है, क्या हुआ कुछ बताएगी भी? मैं कह रही भैया इस विकास को भगा दे यहां से, नहीं तो किसी को बुरा हो जाएगा। क्या बुरा हो जाएगा? मेरी स्कूटी तोड़ दी आज। तेरी स्कूटी तोड़ दी? अभी बुलाता हूँ इसे। विकास, ओ विकास, विकास। जी मालिक। तूने इसकी स्कूटी कैसे तोड़ी? जी वो तो मैं धुल रहा था, गिर गई थी। चल छोड़, मैं ठीक करा दूंगा। विकास तू एक काम कर, जा अपना काम कर ले, और तू भी एक काम कर, जा उठ और खाना खा ले। स्कूटी धुलवाई थी मुझसे, अब मैं भी देखता हूँ सुबह कैसे जाती है स्कूल।
क्या हो गया इसमें आज? स्टार्ट कैसे ना हो रही? जरूर उस विकास के काम होंगे। भैया भैया। हाँ क्या बात है? देखो विकास ने मेरी स्कूटी खराब कर दी। उसने कैसे कर दी वो खराब? तेने देखा उसे? देखा तो ना, पर मेरी स्कूटी को झुलझुला रहा था। चल कोई बात ना, मैं ठीक करा दूंगा। अब मैं स्कूल कैसे जाऊंगी? तू रुक, मैं विकास को बुलाता हूँ और विकास के साथ चली जाइए। विकास के साथ तो ना जाऊंगी मैं। क्यों ना तो पैदल चली जा। आप छोड़िए ना, ना मुझे बहुत काम है। तू रुक, मैं विकास को बुलाता हूँ। विकास, ओ विकास। आजी, आजी। यो खड़ी बाइक और सालू को स्कूल छोड़ गया। ठीक है जी। और एक बात सुन, लौटते वक्त उधर से सालू की स्कूटी ले जाइए और इसे ठीक करवा लीजिए। ठीक है जी, करा लूंगा। आराम से चला ले सर, बाइक क्या मिल गई? हेलीकॉप्टर समझ रहा? रुक जा रुक जा। कभी बाप दादा भी गए स्कूल? अरे हमारे बाप दादा रहने तो ना गए स्कूल, हमारे वाले बच्चे तो भूल जाएंगे। विकास, ओ विकास, उठ भी जाओ। उसकी छुट्टी होली होगी, उसे लुवा लाओ। जी मालिक, अभी जा रहा हूँ। आया नहीं अभी तक, पता ना कहां मर गया। यू लड़की काश मेरी जिंदगी में आ जाती। कदे पटा कर दिया यार। तेरे को टाइम नहीं था, तेरे को जल्दी आ गया। अब बैठ भी ले। यू क्या था? जो सालों से पंगा लेता उसका यही हाल होता है। तो देख के तो लड़, वे तीन है हम दो। हम दो ना, हम एक। या तो वो पिटते या तू पिटता। चल हम। और सुन, मेरी स्कूटी देख के आ जाइए, ठीक हुई कि नहीं हुई। पैदल ही जाइए, कभी तेल फूकता जा। पापा जी लो चाय। पापा जी आपने पता लगाया विकास का? हम उसे क्या याद करें बेटे, जब उसे ही हमारी चिंता ना। पापा जी देखना, पूरा घर सुना सुना, अब तो जी नहीं लगता विकास के बिना। जी तो मेरा भी नहीं लगता बेटे, पर क्या करूं, माँ बाप डांटते नहीं है औलाद को। डांटते नहीं है, इसका मतलब ये थोड़ा ही है कि वो घर छोड़ के ही चला जाए। अब मैं भी देखता हूँ सुबह कैसे जाती है स्कूल। चल। हवा ना है इसमें। हवा ना है? रात तो थी हवा, रात तो कैसे निकल गई हवा? तू क्या सोच रही, मैंने निकाल दी? रुक जा, पंप ला रही हूँ मैं। यू मुझे रहने नहीं देने की।
एक मिनट का आराम भी नहीं लेने देती, जान लेके मानने की मेरी। ले पकड़ और भर इसमें आवा। जल्दी भर ले। जल्दी भर रहा हूँ। ले भर गई। आ चल बैठ। चलो। और सुन, कल की तरह लेट मत हो जाइयो, कदिया मैं खड़ी तरह इंतजार करती रहूं। और घर जाकर सो मत जाइए, टाइम पे आ ही जाइए। हाँ हाँ रुक जाओ, अभी दे रही हूँ। क्या हुआ, क्यों परेशान है? पता नहीं मेरा देवर कैसा होगा, किस हाल में होगा। परेशान होगा क्यों है, आ जाएगा दो चार दिन में। परेशान होऊं कैसे ना, मेरा एक ही तो देवर है, कौन सा चार पांच चक है। वो हमसे एक ही तो थमाने जाता, चार पांच को कैसे थामते। पता ना उसने खाना खाया या ना खाया होगा। मैं उसे अच्छी तरह जानूं, सारी दुनिया भूखी रह जाएगी, पर एक कोई भूखा ना रहे। आज फिर लेट हो गया, इसका तो रोज का काम हो गया है। थोड़ी दूर मैं ही चल लेती हूँ, क्या पता रास्ते में मिल जाए। विकास, ओ विकास उठ भी जाओ, तू रात को तो सो भी सोवे, दिन में भी सोवे। मैं लेट गया था तो नींद सी आ गई। तू कल भी लेट हो गया था, आज भी लेट हो गया, जा सालू गुलवाला। क्या हो रहा है? बढ़िया है यार। और कैसी कट रही है आज के टाइम में? देख भाई वो लड़की आ रही है। ये तो वही लड़की है जिसने कल थप्पड़ मारा था। आज की अकड़ निकालते हैं। अब भाग कर कहां जाएगी? प्लीज मुझे जाने दो, छोड़ो। हम जिंदगी जीते एहसान से, इसलिए दुश्मन चलते हैं हमारे। बेशक मेरी एंट्री लेट होती है। लड़ना जरूरी था क्या? चल अब। विकास ये क्या हो गया, और चोट कैसे मार ली हाथ में? जी वो मैं जब इधर से बाइक लेकर जा रहा था ना, तो बाइक फिसल गई थी। चल ठीक है, पट्टी उट्टी बंधवा लिए। अब हाथ कैसा है? बस ठीक है, थोड़ा सा दर्द है। लो खाना खा लो। रुक जाओ मैं खिलाती हूँ।
रहने दे बस बस ठीक है। अब आप आराम करो, मैं जा रही हूँ। ऐसे नहीं उठेंगे भाभी, तू नू ना करे कर। अच्छा भाभी याद आ रही है, सुबह हो गई, उठ जाओ, लो चाय पी लो। और तैयार हो जाओ, मुझे स्कूल छोड़कर आना है। हेलो सनी, बहुत अच्छा लड़का और इसलिए मैंने उसको वहाँ भेजा। ये तो तुमने बहुत बढ़िया किया। खालू के साथ इसकी जोड़ी बहुत अच्छी रहेगी। जोड़ी तो बहुत परफेक्ट रहेगी। कुछ समय वहाँ पर रहेगा तो दोनों एक दूसरे को जान भी जाएंगे। ठीक है, ओके। मैं अभी सालू को बुलाता हूँ। सालू भैया आई, भैया बुला रहे हैं, मैं जा रही हूँ। जी भैया। सालू ये सनी है और ये हमारे दूर के रिश्तेदार हैं, आज से यहाँ पे रहेंगे। ठीक है। हेलो सालू। नमस्ते सनी जी। नमस्ते। अच्छा भैया आप दोनों बात करो, मैं स्कूल जा रही हूँ। ठीक है। सालू आप कॉलेज जा रही हो? जा रही हूँ। तुम कॉलेज जा रही हो? हम बड़े लोगों को शोभा नहीं देता नौकरों के साथ कॉलेज जाना। आप ऐसा करो, आप मेरे साथ चलो, मैं आपको नई नई बातें सिखाऊंगा। कोई बात नहीं, आप रहने दो, मैं चली जाती हूँ। अरे नहीं नहीं, आप मेरे साथ चलो, मैं आपको लेकर चलता हूँ। आओ बैठो। और तू खेत पे चल गई? आप मेरे साथ चलना, मैं आपको बहुत अच्छी अच्छी जगह घुमाऊंगा। बातों में तो पता ही नहीं चला मेरा स्कूल आ गया। रुक जाओ। यहाँ आपका स्कूल? यही है मेरा स्कूल। ओके ठीक है, फिर मैं आपको लेना जाऊँ। ओके बाय बाय सनी। थोड़ी सी चोट क्या लग गई, बहाना बना के पड़ा तेरे से काम को गई, वो तो तेरे से करे ना गया। चल उठ और पशु को चारा गेर, जल्दी उठ। यू न्यारी धोत चला रहा है, कते जान से ले रखी लेखा। इस सारे काम को समाप्त करने के बाद ना पशुओं को पानी पिला दिए और बाद में खेतों पर चला जाइए, ध्यान से चला जाइए।
सालू बैठो। चलो सालू, आपका कोई बॉयफ्रेंड है? अरे मैं जानता हूँ कॉलेज में पढ़ने वाले लड़कियों के कई कई। मेरा कोई बॉयफ्रेंड नहीं है। मेरी भी एक गर्लफ्रेंड थी, उससे मेरा अभी अभी ब्रेकअप हुआ है। अच्छा दिखाई, खेतों पे गया, पर तुझे क्या काम पड़ गया आज? कुछ नहीं बस ऐसे ही। लो भाई, रोज तो उससे लड़े थी, आज ने क्या काम पड़ गया उससे? विकास, मैंने सुना है लड़कों की के गर्लफ्रेंड होती है, क्या तुम्हारी भी कोई गर्लफ्रेंड है? मेरी कोई गर्लफ्रेंड नहीं है। तो मैं क्या हूँ? मैंने तेरे बारे में अभी ऐसा कुछ नहीं सोचा। तो क्या सोचते हो तुम मेरे बारे में? मैं कुछ नहीं सोचता तेरे बारे में। मैं ना तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। आई लव यू। पागल, किसी ने देख लिया तो पंगा हो जाएगा। तुम्हारे लिए तो मैं पूरी दुनिया से लड़ जाऊंगी। आ चल, मौसम खराब हो रहा है। तू यहाँ क्या कर रही? किसी ने देख लिया तो बदनामी हो जाएगी। पता लग जाए लग जाने दो, मैं क्या किसी से डरती हूँ? मैं तुमसे ब्याह करना चाहती हूँ। अच्छा छोड़ो सारी बात, पहले तुम ये बताओ तुम्हारे घर में कौन कौन है? घर में पापा हैं, भैया हैं और भाभी हैं। और माँ? माँ जब मैं 4 साल का था, जब मुझे छोड़ के खत्म होगी। तुम्हें किसी की याद नहीं आती? याद तो बहुत आती है। भैया की याद आती है, पापा की याद आती है और भाभी की तो बहुत घनी याद आती है। तो तुम यहाँ क्यों रह रहे हो? मैंने पापा से बाइक मांगी थी, पापा ने बाइक नहीं दिलवाई तो मैं घर छोड़ के आ गया। अच्छा तो अब तुम घर वापस जब ही जाओगे जब तुम्हारे पास बाइक आ जाएगी? हाँ। आई लव यू विकास, मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ, तुमसे शादी करना चाहती हूँ। सालू, मैं नहीं चाहता तुम पे कोई उंगली उठाए, मैं तुम्हें इज्जत के साथ ब्याह के ले जाना चाहता हूँ। विकास तू, तेरी इतनी हिम्मत जो तू हमारी घर की इज्जत से खेले? भैया विकास की कोई गलती नहीं है, मैं ही आई थी। तू तो चुप रहिए, मैंने तेरी परवरिश में ऐसी कौन सी कमी की थी जो मुझे आज ये दिन देखना पड़ रहा? हमने ऐसा कोई कदम नहीं उठाया है जिससे आपकी बेइज्जती हो। तू भी चुप रहिए, मैंने तुझे इस घर पे अपने छोटे भाई की तरह रखा और तू मेरे घर की इज्जत से खेला। सुबह होते ही
घर से निकल जाइए और तू तू मेरे साथ चल। भैया भैया विकास, कहाँ जा रहे हो तुम मुझे छोड़कर? मैं अपने घर जा रहा हूँ। मैं भी साथ चलूंगी। तू पागल मत बन, तू यहीं रह। अगर तुम अपने साथ नहीं लेके गए तो मैं अपनी जान खाकर जान दे दूंगी। चल तू जान बान मत दे, बैग लेकर उठा दे। जल्दी कर। पापा विकास का कुछ पता नहीं चल पा रहा, अब तो मेरा मन भी नुकरा है कि मैं भी घर छोड़कर चला जाऊं। विकास, अरे देखो मेरे देवर आ गए। कैसे हो विकास, तुम ठीक तो हो? नमस्ते भाभी। कहाँ थे इतने दिनों से? भैया नमस्ते, पिताजी नमस्ते। चल भाई, सुबह का भूला शाम को घर आ जाए तो उसे भूला नहीं कहते। विकास चल अंदर चल। एक मिनट भैया। अरे यो कौन है? पिताजी ये सालू है, उरा से ही हमारे साथ ही रहेगी। विकास तुम इसे भगा के लाए हो? नहीं भाभी, हम दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं। बेटे बिना माँ बाप की मर्जी की शादी को भगाना ही कहते हैं। और सुन, तू इसे इसके घर छोड़ दे। पापा मैं घर वापस नहीं जाऊंगी, अगर वापस गई तो मेरे भाई मेरी शादी कहीं और करा देंगे। बेटी माँ बाप जो करते हैं वो सही करते हैं, ऐसा करो तुम मेरे साथ चलो। हाँ भाई। तू कहाँ चली गई थी? तुझे हमारी बदनामी करते हुए डर नहीं लगा? चौधरी साहब, बच्चे नादान हैं, इनसे गलती हो गई, मैंने इन्हें माफ कर दिया, आप भी इन्हें माफ। सनी तुम शादी की तैयारी करो, मैं तुम्हारी और सालू की शादी कराता हूँ। ऐसी लड़की से तो मैं बिल्कुल शादी ना करूं, इससे तो मेरी अंजलि ठीक है। अब मेरी बहन से शादी कौन करेगा? चौधरी साहब आप बुरा ना मानो तो एक बात कहूं। हाँ बोलो। गलती हो जाती है बच्चों से, अगर हम इन दोनों की विकास और सालू की शादी करा देते तो हम बदनामी से बच जाएंगे और बच्चे भी खुश। आप मुझसे उम्र में बड़े हैं, आपने जो सोचा होगा वो ठीक ही सोचा होगा। विकास इधर आओ, सालू तू भी इधर आ। आज से सालू आपके घर की बहू है। चैनल का राइटर और डायरेक्टर सनी सागर। दोस्तों आप लोगों को हमारी अपनी मूवी कैसी लगी दोस्तों कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, और हमारी मूवी के लिए प्यार बनाए रखें, हमारे राष्ट्रीय फिल्म चैनल को सब्सक्राइब करें। सभी से रिक्वेस्ट है कि हमारी मूवी को ज्यादा से शेयर करें और हमारे राष्ट्रीय फिल्म चैनल को सब्सक्राइब करें। ओके बाय फ्रेंड्स।